पिताजी हमारी करो शादी। जब हम छोटे से थे तब की बात बता रहे हैं। आई याद बचपन की, पिताजी हमारी करो शादी। हमारे पिताजी कहने लगे लौंडे कोई लौंडिया तो है नहीं, किसके साथ में कर दो शादी। हमने कहा बस यही थी। हमारे पिताजी कहने लगे बेटे कोई लौंडिया तो नहीं, किसके साथ में कर दो शादी। मैंने कहा घर में बैठी तो अब बुढ़िया दादी। हमारे पिताजी कहने लगे लौंडे तू तो बड़ा निकम्मा है, अरे शादी दादी से नहीं होगी बेटा, वो तो हमारी अम्मा है। हमने कहा बस यही थी जले लकड़ी और चले चूल्हा। हमारी अम्मा के तुम दूल्हा तो तुम्हारी अम्मा के हम दूल्हा। जब हम पढ़े जाते छोटे छोटे से थे, जब पढ़ाई करने जाते तो उधम बाजी बहुत मचाते। कभू कहो की पेंसिल फाट डारी, कभू कहो की कॉपी तोड़ डारी। पेंसिल फाट डारी, कॉपी फाट डारी, पेंसिल तोड़ डारी नो कहता है। हाँ हाँ तो कॉपी हमने फाट डारी, पेंसिल तोड़ डारी। जब हमने उधम बाजी ज्यादा देखो तो हमारी मैडम हमसे नाराज हो गई। कहने लगी नेम सिंह तू तो हरकतबाजी बहुत मचाता है, कल तुझे चार शब्द इंग्लिश के याद करके लाने होंगे। मैंने कहा चार शब्द इंग्लिश के, जहाँ हिंदी में घाटे चलो बताओ इंग्लिश के शब्द कहाँ से लेके आऊं, अंग्रेजी के। हाँ मैंने कहा ठीक है ले आएंगे। अब हम कॉलेज से बाहर निकले जब छुट्टी हुई और आगे के लिए जब हम बढ़े तो हमने क्या देखा कि दो पुलिस वाले और जौहरपुर में से निकल के जा रहे। जौहरपुर में से? हाँ अच्छा निकल के जा रहे और निधोली कला से एसओ साहब की गाड़ी आ रही। अच्छा एसओ साहब ने गाड़ी के लिए रोक लिया और उन पुलिस वालों से पूछा भाई एक बात बताओ जो निधोली कला में जौहरपुर गए थे, जौहरपुर गए थे वहाँ पर मुलजिम पकड़ने के लिए उसे लाए नहीं लाए? तो पुलिस वालों ने फौरन जवाब दिया कि नो सर। नो सर? हाँ तो मैंने सोचा कि नो सर ये कोई इंग्लिश का शब्द मालूम पड़ता है कि नो सर। मैंने लिख करके हिंदी में खटाक से दी जिम्मे डाल लिया, पर्चा बना के। हाँ अच्छा डाल के और आगे बढ़ गया। आगे बढ़ के जाकर के पहुंचा तो मैंने क्या देखा कि लड़का बहुत तेजी से चलाता हुआ आ रहा था। क्या बाइसिकल? अरे बाइसिकल नहीं कहते हैं उल्लू के परांठे, साइकिल कहते हैं। हाँ वो लेकर के आ रहा था। मैंने उसके लिए रोका और मैंने उससे पूछा भाई एक बात बता ये क्या चीज है? तो बोला कि ये हीरो। हमने कहा हीरो? अरे भाई ये साइकिल हीरो कंपनी की होगी। मैं कहा पढ़ो लिखो से हीरो कंपनी जानू। मैंने तो जिस सोची मैंने साइकिल कहता हीरो चो बता रहा हुआ जी को इंग्लिश तो शब्द मालूम पड़ता हुआ। मैंने हिंदी में लिख के बहू जेब में डाल लो। घर पर जाकर के पहुंच गए। जब हम घर पर जाकर के पहुंचे अब हमें टट्टी लगी बड़ी जोर से। अच्छा हमने खटाक से दी प्लास्टिक को डिब्बा उठाओ। हमारी घरवारी बोली अरे नाम सिंह ये क्या कर रहा है? तुम्हारी घरवारी नाम लेती है आपका? हमारा नाम लेती है। अच्छा हमसे बड़ी इज्जत से कहा नाम सिंह ये क्या कर रहा है? मैंने कहा मुझे अरे भाई ये तो लेटरिंग का डिब्बा है। मैंने कहा लेटरिंग का डिब्बा? हमें टट्टी लग रही है हमें लेटरिंग कहां से घुस गई? ठीक हमने सोची मैंने कहा जेब को इंग्लिश को शब्द मालूम पड़ता है। हमने लिख करके वो भी जेब में डाल लिया। अच्छा डाल के टट्टी करके आके और चाली हाथ में टीवी का बटन दबाया उसमें फिल्म आ रही थी। कौन सी? हेमा मालिनी धर्मेंद्र से बोली। क्या बोली? चलो जी आज फिल्म देखने के लिए चलते हैं। कहाँ पर? निधोली। अच्छा अच्छा हाँ तो अब इनने कहा कि चलो फिल्म देखने के लिए चलते हैं। धर्मेंद्र ने कहा हेलो माई डार्लिंग आज नहीं कल चलेंगे। मैंने कहा हेलो माई डार्लिंग आज नहीं कल चलेंगे ये जरूर कोई इंग्लिश का शब्द मालूम पड़ता है। मैंने लिख करके वो भी जेब में डाल लिया। डाल के और चाय पानी पी के कपड़ा लत्ता पहन के खटाक से दी स्कूल में जाकर के पहुंच गया। जब स्कूल में जाकर के पहुंचा तो सबसे पहले मैडम ने हमारा नंबर ले लिया और कहा नाम सिंह मैंने तुझसे कल ये कहा था कि चार शब्द इंग्लिश के याद करके लाने होंगे लेकर के आया। मैंने मैडम के लिए फौरन जवाब दिया कि नो सर। जब नो सर का जवाब सुना तो मैडम के लिए थोड़ा सा गुस्सा आ गया। मैडम कहने लगे नाम सिंह तू हरकतबाजी बहुत बचाता है, तू अपने लिए क्या समझता है? मैंने कहा हीरो। ठीक हीरो का नाम सुना तो और ज्यादा गुस्सा आ गया। मैडम कहने लगी नाम सिंह मस्तारा तू बहुत हरकतबाजी बचाता है, तू बहुत हरकतबाजी मचाता है, तूने इस कॉलेज को क्या समझ रखा है? मैंने कहा लेटरिंग का डिब्बा। जब लेटरिंग के डिब्बे का नाम सुना तो और ज्यादा गुस्सा आ गया। मैडम मुझसे कहने लगी नाम सिंह तू हरकतबाजी बहुत मचाता है, आज मैं तुझे हेडमास्टर के पास ले जाऊंगी। मैंने कहा हेलो माय डार्लिंग आज नहीं कल चले। देखिए
जब राजा कुंती भोज ने अपनी पुत्री कुंती को उस ब्राह्मण की सेवा